हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे छेनापना। छेनापना एक व्रत में खाई जाने वाली एक डिश है, जो एक एक ग्लास अगर आप पीने से आपकी पूरी फीलिंग हो जाती है। जिसके लिए हमें चाहिए केला, आम, थोड़े से छेना यानी कि पनीर, थोड़े ग्रेटेड कोकोनट और ये पीसी हुई चीनी है। इसी के अंदर चीनी के साथ ही मैंने इलायची और काली मिर्च को भी पीस लिया है। चीनी के साथ अगर इलायची और काली मिर्च अगर आप पीस लेते हैं तो वो बड़े अच्छे से पीस जाता है, मुंह में बिल्कुल नहीं आता है, सिर्फ फ्लेवर आता है। और ये 1 लीटर दूध, बस इतना ही हमें चाहिए। और फ्रूट्स आप अपने पसंद के भी डाल सकते हैं, कुछ और भी फ्रूट्स डाल सकते हैं जो थोड़ा मिक्सिंग वाली फ्रूट्स है, लाइक थोड़े अनार डाल सकते हैं, थोड़े से एप्पल डाल सकते हैं, जो भी आपके पसंद के फ्रूट्स आप डाल सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं छेनापना बनाना। एक बाउल में हम फ्रूट्स ले लेंगे। इसको हाथ से थोड़ा सा मसल देंगे और ये जब भी आपको पीना हो उसी टाइम तुरंत बनाइए, क्योंकि ये कच्चे दूध का बनता है। ये ऑलमोस्ट मेजरिंग कप में 1 कप चीनी है, पीसी हुई चीनी। अब हम इसमें डालेंगे दूध। इस टाइम पे आप ये चेक कर लीजिए आपको कितना दूध चाहिए, आपको कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए। ये नारियल का छिलका है। ये देखिए, ये हमारा छेनापना बनके तैयार हो गया है और ये अभी पीने लायक हो गया है। आप इसको पी के एंजॉय कीजिए। और आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप जरूर आपकी क्वेश्चन का आंसर करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।